नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोनालिका के इस नए अवतार की। अब ये नया अवतार कैसा है, आपको ये कलर में भी कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, तो इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सोनालिका के 50 HP के महाराजा ट्रैक्टर के बारे में। अगर इसमें पावर की बात की जाए तो ये बिल्कुल महाराजाओं की तरह इसमें पावर मिलेगा आपको, और इस ट्रैक्टर में आपको 10 यूनिक फीचर मिलेंगे जो कि आपको दूसरे ट्रैक्टरों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो कौन कौन से फीचर हैं उनकी बात करते हैं और आपको ट्रैक्टर के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में दिया गया भारत का पहला हाइड्रोलिक 5G टेक्नोलॉजी वाला हाइड्रोलिक सिस्टम आपको, जो कि आपको लिफ्ट को 140 से ज़्यादा जगह पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके पेंट की बात की जाए तो इतना आप जैसे हाथ घुमा के देखेंगे, जिस तरह कारों पे आपको कलर देखने को मिलता है, इसी तरह इस पे भी आपको एक बहुत ही शानदार स्टाइलिश मेटालिक पेंट आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर में सीट की बात की जाए तो ये रेड रॉयल सीट दी गई, जैसा कि ट्रैक्टर का नाम मारा जाए तो उसकी सीट भी महाराजाओं की तरह होनी चाहिए, तो इसी के लिए भारत की पहली रेड रॉयल सीट दी, जो कि आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इसके ऊपर बैठ के आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको इतना कंफर्टेबल फील होता है कि आप लगातार ट्रैक्टर चलाते रहते और आपको थकान महसूस नहीं होती। वहीं दोस्तों अगर इसकी स्टीयरिंग की बात की जाए तो जैसे सीट रॉयल है उसी तरह इसकी स्टीयरिंग भी काफ़ी स्टाइलिश है, एयरगो स्टीयरिंग दी गई, जो कि बहुत ही कम वाइब्रेशन होती है और लगातार किसान भाई ट्रैक्टर चलाता है तो उसको बड़ी आसानी के साथ ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकता है। अगर इसके गियर की बात की जाए तो सिंक्रोमेस आपको गियर मिलेंगे, वो कि साइड शिफ्ट, जहां आपको गियर को शिफ्ट करने में बड़ी आसानी रहती, और साइड शिफ्ट गियर के काफ़ी फायदे भी है जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी थे। वहीं अगर इसके क्लच की बात की जाए तो आपको ये ड्यूल क्लच में मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसकी लाइट की बात की जाए तो आपको काफ़ी स्टाइलिश LED DRL लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि डे रनिंग लाइट भी है, जो कि ट्रैक्टर की एक लुकिंग को भी बहुत ही बढ़िया बनाती है। और उसके अलावा रात में जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो इतना उजाला हो जाता है लाइटों का कि किसान भाई बड़ी आसानी के साथ खेतों में हो चाहे हाईवे पे हो सभी जगह ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकता है। वहीं अगर इसके बम्पर की बात की जाए तो प्रो प्लस बम्पर आपको देखने को मिलता है, जो कि ट्रैक्टर की सेफ्टी भी बढ़ाता है और ट्रैक्टर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा स्टाइलिश और काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया आपको ये बम्पर मिल जाएगा। वहीं अगर इसके बोनेट की बात की जाए तो जैसा कि अभी मैंने आपको खोल कर दिखा रहा हूँ कि ये सिंगल पीस बोनेट के साथ मिलता है, जो कि आप पूरा ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे अगर कोई मिस्त्री भी काम करता है या इवन किसान भाई भी काम करता है तो उसको बड़ी आसानी रहती है। वहीं दोस्तों अगर इसके रेडिएटर की बात करें तो इसमें 45 kW का रेडिएटर फैन दिया गया, जो कि आमतौर पर आपको 60+ HP के ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि राजस्थान में आपको जैसा कि पता है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी इस ट्रैक्टर को आप चलाएंगे तो वहाँ आपको ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा और लगातार खेतों में आप इसे बढ़िया काम कर पाएंगे। अगर माल खिंचाई पे भी काम इस्तेमाल करें तो आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि ट्रैक्टर कम गर्म होता है, ट्रैक्टर ठंडा रहता है, तो उससे डीजल की बचत भी होती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर इतने यूनिक फीचर के साथ मिल रहा है, जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल रही है, इतनी बढ़िया 5G टेक्नोलॉजी की आपको लिफ्ट मिल रही है, तो वहीं अगर इसकी इंजन की बात की जाए, क्योंकि इतने यूनिक फीचर के साथ आपको बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर का इंजन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सोनालिका महाराजा में 50 HP 3 सिलेंडर 3065 cc का आपको इंजन मिलेगा, जो कि 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों जैसा कि सोनालिका का इतना पावरफुल ट्रैक्टर है तो बात यहाँ पे भी निकलती है कि इसका PTO पावर कैसा है। तो इसमें आपको 4 प्रकार के PTO पावर मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा लाइव PTO, दूसरा मिलेगा आपको GR PTO, तीसरा मिलेगा मल्टी स्पीड PTO, और चौथा आपको रिवर्स PTO मिलेगा। तो 4 PTO के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल रहा है, जो कि आपको पूरे 45 HP का पावर आपको PTO में मिलने वाला है। जो कि राजस्थान की कंडीशन की बात की जाए तो आपको हर प्रकार के इम्प्लीमेंट को चलाने में, आप चाहे थ्रेशर चला लें, रोटावेटर चला लें, कोई भी उपकरण चला लें, ये PTO बड़ी आसानी के साथ उन सभी चीज़ों को ऑपरेट कर देगा। तो दोस्तों अगर इसकी टोपलिंग की एडजस्टमेंट की बात की जाए तो आपको 3 होल मिल जाएंगे, जहां आप राजस्थान की मिट्टी के हिसाब से अपने अपने इम्प्लीमेंट को जिस जगह चलाना उसी हिसाब से चला सकते हैं। अगर लोअर लिंकों की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत लोअर लिंकें हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको लिफ्ट की और टोपलिंग की बात तो बता दी। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी की क्षमता के साथ आपको मिलता है। दोस्तों सोनालिका ने आधुनिक कृषि उपकरणों को देखते हुए इस ट्रैक्टर में आपको डबल DC वाल
दिया गया है और इसको ऑपरेट करने का लीवर भी आपको यहाँ पास में मिल जाता है, जैसे कि ड्राइवर का हाथ बड़ी आसानी से पहुँच सकता है। अगर इसके लिफ्ट के कंट्रोल लीवर की बात की जाए तो आपको ये सीधे फिंगर टच के साथ मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्मूथ और आसानी के साथ आप इनको चला सकते हैं। तो दोस्तों इतने हेवी फंक्शन और इतने यूनिक फंक्शन के साथ अगर आपको ट्रैक्टर मिल रहा है तो इसमें अगर टायर की बात की जाए तो आपको टायर दो ऑप्शन में मिल जाएंगे, 13-6 मिल जाएंगे और 14-9 के टायर। दोनों ही साइज़ में आप जो मॉडल आप पसंद करेंगे उस हिसाब से आपको इसमें टायर मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी सोनालिका के महाराजा ट्रैक्टर के बारे में, और सोनालिका ट्रैक्टर निकट भविष्य में भी किसानों की जरूरत को देखते और खेती किसानी के काम को आसान बनाने के लिए इसी प्रकार के आधुनिक ट्रैक्टर आपके लिए उपलब्ध करवाता रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी सोनालिका के महाराजा ट्रैक्टर के बारे में, और अगर आप इससे और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रहा, इस वीडियो को अपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।